ये वो फीमेल आपको दिखा रहा हूँ जो कि 5 बच्चे थे इसके मटकी में, और 5 में से 1 बच्चे की डेथ हो गई है और 4 बच्चे भी कहीं ना कहीं थोड़े से घायल हैं, लेकिन वो बच जाएंगे। पर इसने उन फीड कराना टोटल बंद कर दिया है। रीज़न ये है कि ये खुद भी नहीं खा पा रही है। आप देखिएगा, मैंने इसको ऐसा इसलिए पकड़ के रखा है, ये पकड़ने का सही तरीका नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन इसकी चोंच में, गर्दन में और दोनों आँखों के चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा काटा है दूसरी बर्ड्स ने, और इस कारण से ये दोनों आँख खोल भी नहीं पा रही है, इसलिए ये बहुत इजी पकड़ में भी आ गई है। देखिए नीचे वाली चोंच में, और ये आँख देखिए, चोंच में और आँख में इसको बहुत ही ज़्यादा चोटें आई हैं। और इसने कल भी अपने बच्चों को फीड नहीं कराया था सुबह, और अभी रात में भी मैं आया हूँ तो बच्चे बहुत भूखे हैं और एक बच्चा मर चुका है, तो उन बच्चों को हैंड फीड पे लेना पड़ा। और दूसरी बर्ड जिससे लड़ाई हुई थी, उसके ये 4 एग जो हैं वो ख़राब हुए। ये देखिए ये 4 एग जो हैं, ये कहीं ना कहीं इनमें दरार आ गई है, या कि छेद हो गया है, मतलब अब इनसे ख़राब हो चुके हैं, अब इनसे बच्चे कभी हैच नहीं हो पाएंगे। और ये जो बर्ड है जो सामने दिखाई दे रही है, ये काफ़ी चोट लगी है, और इसके 4 बच्चे जो हैं पिछले 12 घंटे से मेरे को लगता है बहुत ही भूखे हैं, उनको मैंने हैंड फीड पर ले लिया है। और जिस बर्ड के अंडे ख़राब हुए हैं, ये देखिए अंडे मैंने निकाल के बाहर फेंक दिए हैं, और ये देखिए इसके सर में बिल्कुल भी बाल नहीं रह गए हैं, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हुई है, तो कॉलोनी में ये होता है। तो ये एक कारण था कि मुझे कुछ चिक्स जो है वो हैंड फीड पे उठाने पड़े। जनरली मैं हैंड फीडिंग के पक्ष में कभी नहीं होता, रीज़न ये है कि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं रह पाता, लेकिन हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि उनको जो बर्ड्स मिले वो हैंड टैम बर्ड मिले। हैंड टैम बर्ड हर किसी का सपना होता है, बर्ड को भी हो सकता है, बजरीगर भी हो सकता है और मकाऊ भी हो सकता है और बीच के सारे बर्ड्स भी हो सकते हैं। तो हैंड टैम करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि बर्ड्स को जो है हम नेचुरल उनकी नेस्ट से उठा करके और हम उनको ले आए हैंड फीड पे। तो कुछ चिक्स जो है मैं मेरे को मजबूरी में हैंड फीड पे लेने पड़े हैं और उनको मैं मैनेज कर रहा हूँ किसी भी तरीके से। आइए दिखाता हूँ, ये रखें, ये देखिए ये चिक्स जो है, ये नॉर्मल एक केज है और इस केज में मैंने एक 60 वाट का बल्ब लगाया हुआ है जिससे कि इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, और चिक्स को करीब करीब 30 डिग्री के आसपास का जो टेम्परेचर है वो जरूरी होता है। कब? जब उनके फैदर ना आए हों, जब उनके फैदर ना आए हों उस समय में 28 से 30 डिग्री का टेम्परेचर होना जरूरी होता है। तो ये तुरंत में अचानक से, जैसा कि मैंने बताया मेरी तबीयत भी खराब थी और कुछ तैयारियां थी नहीं और मैं कोई मूड में भी नहीं था कि बर्ड्स को हैंड फीड पे लेना है, तो मैंने ये कार्टून के टुकड़े काट के इसको मैंने चारों साइड से, आप देखिए ये चारों तरफ से इसको मैंने कवर किया हुआ है और इसके अंदर चिक्स रखे हुए हैं। ये देखिए ये रखे को चिक्स रखे हुए हैं, तो इनको लेकर के चलते हैं और फिर आपको इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताता हूं। ये जो है ये रखे हुए हैं, और ये 4 चिक्स हैं, ये देखिए ये 4 चिक्स हैं, और इनने काफी गंदा भी कर दिया है। और मैं हमेशा चिक्स जब भी रखता हूं तो टिश्यू पेपर हमेशा साथ में रखता हूं, और इनको इस टिश्यू पेपर के ऊपर रखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और ये थोड़े से भूखे हैं। एक्चुअली ये मैं आज के 3 दिन पहले इनको हैंड फीड पे उठा लिया था, जैसा मैंने बताया कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो इनको 3 दिन पहले मैंने उठाया था और तब इनकी हालत बहुत ख़राब थी, और अब तो इनको हैंड फीड करा करा के मैं काफ़ी हद तक ठीक कर दिया हूँ। और ये देखिए ये टिश्यू पेपर लगाने से फ़ायदा ये होता है कि टिश्यू पेपर जो होता है ये ड्रॉपिंग करते हैं तो बड़ी आसानी से उसको सोख लेता है, और एक प्रकार से इनके लिए डायपर का काम करता है। तो ये हो गई इनकी साफ़ सफाई, और इनको वापस से अभी रख देते हैं इसके अंदर ताकि टेम्परेचर की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि शाम का 7 बजे हुआ है, थोड़ी सी ठंड है, तो इनको अभी वापस से इसमें रख देते हैं। और चलिए इनको फटाफट हैंड फीडिंग फार्मूला रेडी करते हैं और इनको हैंड फीड करते हैं। तो अभी बने रहिए वीडियो में, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन में जाकर ऑल सेलेक्ट करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि सारी वीडियो जो है आपको समय से और सबसे पहले मिले।
और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। रीज़न ये है कि अक्सर एक्जॉटिक बर्ड्स जो कि कभी भी हैंड फीडिंग के पक्ष में मैं नहीं रहता, लेकिन मजबूरी में मुझे इन्हें हैंड फीड पे लेना पड़ा है, तो बहुत सारे लोगों का कहना भी होता है, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि आपके पास हैंड टैम बर्ड्स हैं, तो मेरे पास में एक ही हैंड टैम बर्ड्स था। लॉकडाउन के टाइम में मैंने उसको हैंड टैम कर लिया था, तब मेरे पास में टाइम ही टाइम था, लेकिन तब से मैं बहुत बिजी था। अब मजबूरी में ये चार बर्ड जो है मुझे हैंड फीड पे लेना पड़े हैं, तो बहुत ही जल्दी आने वाले समय में ये एकदम हैंड फीड हो जाएंगे और तब आगे भी मैं इनकी वीडियो दिखाऊंगा। ये जैसे जैसे बड़े होंगे इनकी ग्रोथ स्टेज भी आपको देखने के लिए मिलेगी, तो वीडियो जो है आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हैंड फीड कैसे कराते हैं आइए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हैंड फीडिंग फॉर्मूला बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, और पानी जो आपको लेना है वो हमेशा कोशिश करें कि पानी जो है हमेशा आरओ का यूज करें। मैं ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो, हमेशा बर्ड्स को है जो आरओ का ही पानी देता हूँ। रीजन ये है कि हर जगह के पानी का जो टीडीएस होता है वो अलग अलग होता है। हो सर ये देखिए, इसको ये सेट कर दिया इंडक्शन को, हाई टेम्परेचर में, ताकि जो पानी है वो जल्दी गर्म हो जाए। थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। बर्ड्स को अगर हैंड फीड कराना है तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो एक्चुअल पेरेंट्स होते हैं जो बर्ड्स के, वो अपने बच्चे को कैसे खाना खिलाते हैं, ये ध्यान देने वाली बात होती है। पहली चीज़ तो ये होती है कि वो हमेशा छोटे छोटे पीस में खिलाते हैं, तो हम ऑलरेडी हैंड फीडिंग फार्मूला यूज कर रहे हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि बर्ड्स पहले खुद खाता है फिर अपने चिक्स को फीड कराता है, तो जब वो खुद खा रहे होते हैं बर्ड्स, तो ऐसे समय में क्या होता है कि उनके उनका एक जो मुंह में जो लार बनता है जिसको सेलाइवा बोलते हैं, उसमें ऑलरेडी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और वो पहले खुद खाते हैं तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो उस खाने में मिल जाते हैं, और फिर वही एंजाइम वाला खाना जो है वो उसको फीड कराते हैं, तो बच्चे का जो डाइजेस्ट करने में बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है और इजी डाइजेस्ट हो जाता है। ये नेचुरल तरीका होता है पेरेंट्स का अपने बच्चों को फीड कराने के लिए, कोई भी एक्सोटिक बर्ड्स हो। तीसरी बात ये होती है कि जब वो खुद खाते हैं उस खाने को, तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और वो थोड़ा सा गुनगुना या गर्म स्वीट मिक्स हो या कोई भी सॉफ्ट फूड हो, वो थोड़ा सा गुनगुना खिलाते हैं। तो इन तीन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे पहली बात, अगर आप हैंड फीडिंग फार्मूला बना रहे हैं तो हैंड फीडिंग फार्मूला का जो टेम्परेचर होना चाहिए एकदम ठंडा ना हो, एकदम ठंडा होगा तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा और वो क्रॉप इकट्ठा हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है, ये पानी को सबसे पहले ही हमने गर्म कर लिया है। आप ये देखिए, ये पानी एकदम भाप निकल रही हो और ये गर्म है। अब इसमें हम मिलाएंगे हैंड फीडिंग फार्मूला, वो हमेशा मैं फ्रिज में रखता हूँ। रीज़न ये है, ये पेट्स लाइफ का हैंड फीडिंग फार्मूला है, पहले भी मैंने इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ। और इसको देने का तरीका ये होता है कि एक तो आपका जो वाटर है वो बॉयल होना चाहिए, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, और चिक्स की एज के हिसाब से हैंड फीड तैयार करना सही होता है। चिक्स की एज के हिसाब से मतलब एक फर्स्ट वीक यानी एक दिन से सात दिन के बीच का अगर चिक्स है, तो आपको जो जितना हैंड फीडिंग फार्मूला आप ले रहे हैं उससे चार पाँच छः गुना ज़्यादा पानी होना चाहिए, यानी एक चम्मच हैंड फीडिंग फार्मूला में छः चम्मच पानी मिलाना है। लेकिन ये जो बर्ड्स हैं ये ऑलरेडी जो है 14 दिन के आसपास के हैं, यानी सात दिन से ऊपर हैं और 14 दिन के बीच में हैं, तो जितना हैंड फीडिंग फार्मूला लेंगे उससे चार गुना ज़्यादा पानी लेंगे। छोटे छोटे पीस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह गई, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है हैंड फीडिंग फार्मूला। आप देखिए ये लिक्विड फॉर्म में है। दूसरी बात, इसका टेम्परेचर भी ठीक है क्योंकि हमने इसको गर्म पानी से घोला हुआ है। अब तीसरी बात ये आती है कि जो नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं, जो पेरेंट्स खुद खाते हैं और उनके लार में मिल जाता है, उनके सलाइवा में मिल जाता है और वो जाके अपने चिक्स को फीड कराते हैं, तो वो अब कैसे होगा, तो उसको दूर करने के लिए हमारे पास में ये नियोपेप्टिन सीरप, ये ध्यान रखिएगा, ये सीरप के दो ड्रॉप, कितने, दो ड्रॉप आपको इसमें मिलाने हैं। ऐसा पतला ही देना है। रीजन ये है कि अगर बहुत ही ज्यादा गाढ़ा अगर हैंड फीड फार्मूला उनको देंगे तो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, और स्टार्टिंग में नए नए में तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अभी तक उनको आदत नहीं थी हैंड फीड लेने की। और अब हैंड रेडी है। अब इसका टेम्परेचर चूंकि मेंटेन रहे, क्योंकि 5 से 7 मिनट भी लग जाते हैं बर्ड्स को, चार बर्ड्स को हैंड फीड कराने में, तो ये बॉयल वाटर है और इससे भाप निकल रही है, इसके ऊपर हम रखेंगे इसको ताकि ये इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखेगा। और आइए हम हैंड फीड करके बताते हैं।
चलो कम है यार। ये जो चारों चिक्स हैं ये अब रेडी है हैंड फीड लेने के लिए, और ये हैंड फीड फार्मूला जो है इसमें ये एक स्ट्रॉ लगा करके रखी हुई है मैंने, और ये जो है काफ़ी सॉफ्ट होती है और इनसे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन चूंकि हमने इसको गर्म पानी में यूज़ किया है तो कभी भी चेक करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म होगा तो बर्ड के क्रॉप को जला सकता है, तो चेक करने का तरीका देखिए कैसे चेक करते हैं। हैंड फीड फार्मूला बनाने के बाद में हमेशा अपने यहाँ पर गर्म नहीं लगेगा, यहाँ पर डालेंगे तो सही टेम्परेचर समझ में आएगा कि टेम्परेचर सही है कि नहीं। और इसका टेम्परेचर अब ये बिल्कुल सही है और एकदम देने लायक है, तो आइए अब फीड कराते हैं। बर्ड को कभी भी हो तो राइट साइड से ही फीड कराएं, क्योंकि लेफ्ट साइड से अगर फीड कराएंगे बर्ड के तो वो उसके कहना चाहिए लंग्स में चला जाएगा और उसको सांस लेने में तकलीफ होगी और स्पॉट में बर्ड्स की डेथ हो जाएगी। तो हमेशा राइट साइड से ही हैंड फीड कराना चाहिए। और ये देखिए मैंने इसको ये राइट साइड पर ये लिया और हल्का हल्का इसको आप पुश करेंगे और इनकी आदत होती है, ये खुद ही धीरे धीरे इनकी आदत हो जाएगी और ये खुद ही हैंड फीड लेने लगते हैं। अभी इनको चूँकि 2 दिन ही हुआ है तो इनको नॉलेज नहीं है, लेकिन ये देखिए ये धीरे धीरे ये खुद ही फीड लेगा। देखिए ये देखिए ये खुद ही फीड ले रहा है, और ये इसको करीब 2.5 ml फीड करा दिया है। ये देखिए देखिए ये एकदम खाली है और ये भरा हुआ है। अब ये एकदम रात भर के लिए हो गया इसको। दूसरी बात ये होती है कि कभी भी हो ज़्यादा फीड ना कराएं, थोड़ा सा कम होगा तो चल जाएगा, अगर लेकिन अगर ज़्यादा फीड कर लिया तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है लूज मोशन की या इनडाइजेस्टिबिलिटी की। 2 ml जो है इसको फीड कराएंगे और ये फुल। और ये ख़त्म। इसको टिश्यू पेपर में मैंने इनको रखा हुआ है और नो डाउट आने वाले समय में ये बहुत ही जल्दी आने वाले 15-20 दिन में बड़े हो जाएंगे और हैंड टाइम बर्ड भी हो जाएंगे। आप ये वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर कभी किसी अच्छे टॉपिक के साथ में मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और समय समय पर मैं इनकी ग्रोथ भी दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।